तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 5 से 9 तक। मूसा ने लोगों से कहा, हे इसराइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो ताकि तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको जिसे प्रभु तुम्हारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। देखो, मैं अपने प्रभु ईश्वर के आदेश अनुसार तुम लोगों को नियमों तथा आदेशों की शिक्षा दे रहा हूँ ताकि तुम उनका उस देश में पालन करो जिसे तुम अपने अधिकार में कर लोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आँखों में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वह उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के सम्मान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके देवता उनके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारे निकट है जब जब हम उनकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियाँ इतनी न्यायपूर्ण हैं जितनी ये संपूर्ण संहिता जिसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। सावधान रहो, जो कुछ तुमने अपनी आँखों से देखा है उसे मत भुलाओ, उसे जीवन भर याद रखो और अपने पुत्र पुत्रों को सिखाओ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे यरूशलम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलम, प्रभु की स्तुति कर। हे यरूशलम, प्रभु की स्तुति कर। हे सियोन, अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के छड़ सुदृढ़ बना दिए, उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। वह याकूब को अपना आदेश देता और इसराइल को अपना विधान तथा नियम बताता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के साथ ऐसा नहीं किया, उसने किसी को अपना नियम नहीं सिखाया। अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु की स्तुति कर। जय घोष। हे प्रभु, आपकी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। पवित्र सुसमाचार
संत मत्ती के अनुसार अध्याय 5 पद संख्या 17 से 19। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए किंतु संहिता की एक मात्रा अथवा एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो उन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से एक को भी भंग करता और दूसरों को ऐसा करना सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में छोटा समझा जाएगा। जो उनका पालन करता और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग राज्य में बड़ा समझा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।